बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। ये रिलेटेड इनहेरिटेंस से हमने इसकी दो एग्जांपल्स पहले की थी 9 और 10 पिछले वीडियो में। अगर आप वो कर लें तो ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ मैन लेफ्ट 240,000 एज इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस है जो हमने डिवाइड करनी है वो दी हुई है 240,000, ठीक है। हिज हियर आर 6 डॉटर्स एंड 2 सन्स। उसकी डॉटर्स जो हैं 6 हैं, सन्स 2 हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द शेयर ऑफ ईच सच इनहेरिटर दैट अ सन गेट्स ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स शेयर, ठीक है। सन, एक सन को 2 मिलेगा, ठीक है। तो दो सन है तो 2 × 2 = 4, उनका टोटल शेयर सन्स का 4 हो जाएगा, ठीक है। डॉटर 6 है, एक डॉटर को 1 मिलेगा तो उनका टोटल शेयर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करते हैं सम ऑफ रेशियोज 6 + 4 = 10, ठीक है। जो सन्स शेयर है 4, टोटल है 10 × 240,000। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 96,000 विल गो टू द सन्स, क्योंकि उनका ये 4 आ रहा है, ठीक है। और डॉटर्स का कितना आएगा, ये सब सारे सन्स का जो है ना 96,000 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हर एक अलग अलग आ जाएगा। डॉटर्स शेयर क्या है, डॉटर्स का टोटल कितना है 6 है और सम ऑफ रेशियोज कितना 10 है, मल्टीप्लाई बाय 240,000। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा 144,000 जो है वो आ जाएगा डॉटर्स का। इन दोनों को अगर आप ऐड करें 144,000 और 96,000, 240,000 यही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपने अलग अलग फाइंड करना है सन का शेयर और डॉटर का, एक सन का कितना होगा, तो ये 96,000 है ये 2 सन्स का है, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हर सन का शेयर आ जाएगा। ये जो डॉटर्स का है 144,000, ठीक है। डॉटर्स 6 है, इसको 6 पे डिवाइड करेंगे तो हर डॉटर का शेयर इसमें आ जाएगा। सो दिस वॉज अ सिंपल क्वेश्चन विच वी हैव डन। नाउ विल बी मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट अल्लादिता डाइड लीविंग प्रॉपर्टी ऑफ 850,000। जो प्रॉपर्टी उसने छोड़ी उसकी वैल्यू थी 850,000। ही लेफ्ट अ विडो, 2 सन्स एंड 1 डॉटर। उसकी वाइफ, 2 बेटे, 1 बेटी, उनमें शेयर जाना है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द इनहेरिटेंस इफ द बरियल एक्सपेंडिचर वाज 50,000। सबसे पहले हमने जो है वो बरियल एक्सपेंडिचर माइनस करना होता है। ये जो 850,000 है इसमें से हम माइनस करेंगे 50,000, तो 850 में 50 करेंगे तो 800,000 रह गया। ये जो है यह रिमेनिंग अमाउंट, यही जो है वो डिवाइड करनी है। सबसे पहले देंगे हम उसकी विडो को, विडो शेयर वो हमेशा 1/8 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 800,000 से, तो 100,000 जो है वो आ गया विडो का शेयर। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, पहले ये 800,000 आ गया था, इसमें से 100,000 निकाल दें, 700,000 जो है वो अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ही लेफ्ट अ विडो, वो हो गया 2 सन्स एंड 1 डॉटर, ठीक है। सन्स कितने हैं, 2, डॉटर्स 1, ठीक है। तो इनका 2 सन्स को, एक सन को डबल मिलता है तो ये 4 हो जाएगा, और ये इसको 1 मिलता है 1 हो जाएगा, रेशो 4:1 हो जाएगी, ठीक है। तो सम ऑफ रेशोज 4+1 = 5। अब हम सन्स का फाइंड करेंगे, सन्स शेयर सारे सन्स का, ठीक है। 4 उनकी रेशियो है, टोटल 5 है और अमाउंट रह गई थी 700,000। ये इसको करते हैं सिंप्लीफाई, यह आ जाएगी 1, 2, 3, 4,
560,000 आ जाएगा सन्स को, ठीक है। और डॉटर्स शेयर, सारे डॉटर कितनी है, एक ही डॉटर है, तो 1/5 × 7,000, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 140,000, ठीक है। इसको रिकैप करते हैं, प्रॉपर्टी थी 850,000 की, वर्ल एक्सपेंसिस थे 50,000 के, वो माइनस कर दिए, रिमेनिंग प्रॉपर्टी जो रहेगी 800,000 रहेगी, उसमें से 1/8 जो है वो शेयर दे दिया विडो को, 100,000 बनता है, वो माइनस कर दिया 800,000 से 700,000 रह गया, जो कि डिवाइड करना है 2 sons में और 1 daughter में, 1 son को 2 shares मिलता है, डबल मिलता है, तो 2 sons या 2 2 4 जो है वो sons को मिलेंगे, डॉक्टर को 1 मिलेगा, उनको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगी समग्र रेशो। तो sons के शेयर के लिए 4/5 × अवेलेबल अमाउंट कितनी है 700,000, तो आ गया 560,000, ये दोनों sons को मिलेगा। अगर एक एक काम करना हो तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, कितने son है इसमें, 2 sons, ठीक है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हर एक का शेयर आ जाएगा, डॉक्टर का शेयर जो है वो 1/5 × 7,000, डॉक्टर को मिलेंगे 140,000। सो दिस वाज अबाउट नंबर 2। तो अभी हमने सॉल्व कर लिए हैं पहले 2 questions, दोनों क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी थे, अगर आप एग्जांपल्स को गौर से करेंगे तो आप ये खुद कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अक्रम लेफ्ट वेल्थ ऑफ 780,000, अब जो वेल्थ उसने छोड़ी वो है जी 780,000, इतने पैसे वो छोड़ के मरा। हिज हियर इज अ विडो, 3 sons एंड 4 daughters, कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच वन इफ द फनरल एक्सपेंसेस इज, सबसे पहले जो बरियल एक्सपेंसेस हैं उनको फनरल एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ये माइनस करते हैं, ये कितने हैं दिए हुए 30,000, तो 780,000 में से माइनस 30,000 कर देंगे तो 750,000 ये अमाउंट अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड नो नहीं, साथ ही लिखा हुआ है लोन ऑफ 50,000, अब हमने इसमें से जो है वो लोन भी हमने जो है वो माइनस करना है, ये हमने पढ़ा नहीं था, अभी हमने पढ़ लिया कि जो लोन है वो भी माइनस करना है, लोन एक्सपेंस जो 750,000 रह गया है इसमें से 50,000 जो है वो लोन था, तो 700,000 7 lakh rupees जो है ये रह गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहले उसके विडो को जाएगा, विडोज शेयर 1/8 होता है, 1/8 × 700,000, ठीक है, ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, अभी हम कैलकुलेट करते हैं, वी विल सी हाउ मच वी गेट, 700,000 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 87,500, 87,500 जो है ये जाएगा उसकी वीडियो को। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी, टोटल था 700,000 अमाउंट थी, इसमें से 87,500 हमने कर दिए माइनस, तो वी विल बी गेटिंग 700,000 माइनस 87,500, वी विल गेट 612,500। अब ये जो अमाउंट है 612,500 ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 sons एंड 4 daughters, ठीक है। सन्स कितने हैं, 3, डॉटर्स कितनी है 4। अब आपने ये चीज़ देखनी है, एक सन को 2 मिलेगा, तो अगर 3 sons है तो उनको कितना मिलेगा 6, डॉटर को 1 ही मिलता है तो 4। अब हम करेंगे सम ऑफ रेशोज, ये क्या आ जाएगा 6 + 4 = 10। अब जब हमने दो सारे सन्स जितने भी हैं उनका करेंगे सन्स शेयर सब का, वो उनका टोटल 6 है, ओवर 10 × 612,500 ये वाला, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 612,500 जो है इसको हमने करना है मल्टीप्लाई, तो वी विल सी 612,500 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आएगा 367,500, ये सारे सांस को जाएगा। अगर आपने एक का पॉइंट करना है तो 6 पे डिवाइड कर लें हर एक को, सेम सेम जाएगा, डॉटर्स शेयर 4 daughters हैं सबका कितना होगा 4/10 × 612,500, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो 612,500 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे
4 से we'll be getting 245000, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें 367500 प्लस 245000 यू विल बी गेटिंग 612500, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है ये भी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। इट वाज वेरी इजी। वेल्थ वाज ऑफ 750000, फनल एक्सपेंसेस 30000, लोन एक्सपेंसेस 50000। हमने जो वेल्थ थी उसमें से दोनों को माइनस कर दिया तो 700000 आ गए। उसमें से हमने 1/8 जो है वो शेयर दे दिया वीडियो को, वो अब माइनस में कर दिया 700000 से, तो हमारे पास रह गया 612500। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था 3 sons और 4 daughters में। एक son को 2 मिलता है, 3 × 2 = 6, और sons का पार्ट हो गया 6 और daughters का हो गया 4। दोनों को ऐड किया तो 10 हो गया सम ऑफ रेशियोज, ठीक है। sons के 6 है, 6/10 × 612500 किया तो 367500 ये शेयर है sons का, और daughters का 4 है, 4/10 करके मल्टीप्लाई बाई 612500 किया तो 245000 आ गया daughters का। अगर आप ऐड करें 367500 और 245000 को तो हमारे पास वही 612500 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने आराम से क्विकली हमने जो है वो कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सो दैट थिंग्स बिकम वेरी इजी एंड अंडर कंट्रोल। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेज A man died leaving a saving of 72,000. उसकी जो सेविंग है कितनी, 72,000, ठीक है, इन द बैंक। फाइंड द शेयर ऑफ ईच विडो, वन सन एंड वन डॉटर। पहले सबसे पहले हम विडो का फाइंड करेंगे। 1/8 × 72,000 9,000 आ गया विडो का। रिमेनिंग अमाउंट देखेंगे कितनी आ गई है, उसको देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट 72,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास लग रह जाएगा 63,000 रह गया। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने डिवाइड करना है वन सन एंड वन डॉटर में। सन कितना है, वन, डॉटर वन। सन का शेयर कितना होता है, डबल होता है, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियोज देखो, 2 + 1 = 3। जब हम सन का फाइंड करेंगे, सन शेयर उसका है 2, टोटल 3 पे सम ऑफ रेशियोज है इनटू 63,000। इसको करेंगे सिंपलीफाई, 42,000 ज़्यादा वो सन को जाएगा और डॉटर का जो शेयर है, डॉटर्स शेयर ये क्या है, उसका शेयर 1 है, टोटल 3 है इनटू 63,000। तो 21,000 जो है वो जाएगा डॉटर को जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये 63,000 आपके पास आ जाएगा। सो इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। सेविंग वॉज ऑफ 72,000, विडो गॉट 1/8, सो इट वॉज 9,000। सो देन वी सब्ट्रैक्टेड 9,000 फ्रॉम 72,000 एंड वी गॉट 63,000। दिस वॉज अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग वन सन एंड वन डॉटर। Son will be getting twice, okay, and daughter one. So 2 + 1 = 3 is the sum of ratios. So we did that son's share was 2/3 × 63,000. It became 42,000. It goes to the son and daughter's share. आप इस तरह भी कर सकते हैं, 63,000 में से 42,000 माइनस कर दें तो ये इसका आ जाएगा। इस तरह से भी ये पॉसिबल है, ठीक है। अभी हमने जो है वो 4 क्वेश्चंस कर लिए, ऑल 4 वर वेरी इजी। सो एंड नाउ विल बी गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज असलम लेफ्ट प्रॉपर्टी वर्थ 650,000। सो जो प्रॉपर्टी है उसकी वर्थ है 650,000। ही हैड टू पे 50,000 एज अ डेट। डेट कितना है, ही हैज टू पे 50,000, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 600,000, ठीक है। देन ही हैड टू पे 50,000 एज डेट। द रिमेनिंग अमाउंट वाज डिवाइडेड अमंग हिज 2 sons एंड 2 daughters, ठीक है। अब सन्स और डॉटर्स में ये करनी है, ये 2 है सन्स और 2 daughters है। सन का शेयर 2 होता है, ये 4 आ जाएगी। डॉटर का 1 होता है, ये 1 आ जाएगी। तो जब हम करेंगे
sum of ratios, it becomes 4 plus 1 is equal to 5. तो जब हम sums का share करेंगे, तो उनका कितना 4 over 5 into 600,000. यह आ गया 480,000, ठीक है. और जो डॉटर है उसका क्या है, टू डॉटर्स है. हाउ मेनी सन्स, टू सन्स एंड टू डॉटर्स. तो ये हमने गलत कर दिया, टू सन्स थे उनका टू आया फोर, टू ही डॉटर्स थे, टू इंटू वन, यहाँ पे टू आता था, फोर प्लस टू सिक्स होता है. तो ये हमारी रेशियो बन गई सिक्स, हमने करेक्ट कर लिया. इसको हम यहाँ पे करेंगे सिक्स करेंगे, ये यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा 400,000, ठीक है. ये आ गया सन्स का. और डॉटर्स का क्या आएगा, डॉटर्स टू है, टू ओवर सिक्स इंटू 600,000, ये 100,000 आ गया, इंटू टू 200,000, ठीक है. तो ये 400,000 है और ये 200,000 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 600,000. सो आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है. अब हम अब ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जस्ट हमने जो है उसका लोन डिडक्ट करके हमने उसके दो बेटों और दो बेटी में जो है वो पैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स सेज असर अली डाइड लीविंग एसेट्स वर्थ 655,275. उसके जो एसेट्स थे, एसेट्स होते हैं असासे 655, इतनी प्रॉपर्टी को छोड़ के चला गया. फनल एक्सपेंसिस वर 5275. अब जो है वो फनल एक्सपेंसिस जो है वो करने हैं हमने डिडक्ट 655,275, उसमें से हमें करने हैं 5275 हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 650,000. ये था 655,275. तो इसमें से हमने 5275 निकाल दी तो 650,000 हमारे पास आ गया रिमेनिंग अमाउंट. तो रिमेनिंग अमाउंट है क्या, हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है 650,000. देन ही हैव टू पे 50,000 एज डेट. सो डेट भी हमने पे करना था 50,000. ये जो 650,000 है इसमें से हमने माइनस कर दिया 50,000 डेट, तो हमारे पास आ गया 600,000. अब जो न्यू हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है वो आ गई 600,000. ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है. कैसे करनी है, आफ्टर मेकिंग दिस पेमेंट्स द विडो शैल गेट 1/8 ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी. अब जो विडो का शेयर है वो इस तरह से है, विडोज शेयर 1/8 इंटू 600,000, ठीक है. तो ये जो 600,000 है इसको हमने डिवाइड करना है 8 पे, यू गेटिंग 75,000. तो 75,000 मिल गए विडो को. अब हमने देखना रिमेनिंग अमाउंट, ये थी 600,000, इसमें से 75,000 चले गए, तो 525,000 जाना वो बाकी बच गए. अब ये किसमें डिवाइड करने हैं, फाइंड the share of his son and one daughter when share of son is double the share of the daughter. एक son है और एक daughter है. तो son daughter, one son और one daughter, इसको मिलता है double, तो 2:1 हो गया. और sum of ratios क्या हो गया, 2 + 1 = 3. जब हम करेंगे son का share तो उसका 2 है over 3 × 525,000, ठीक है. तो ये जो 525,000 है इसको हमने डिवाइड करना है 3 पे, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 350,000 वी गेट 350,000. डॉटर का शेयर, डॉटर 1 है, 1/3 × 525,000, ठीक है. तो जब हम करेंगे 525,000 / 3, ठीक है. इस साथ सन का शेयर भी आ गया और डॉटर का शेयर भी आ गया, ठीक है. इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 525,000 आ जाएगा. इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है.
तरह से हमने जो है वो जल्दी से हमने कर लिया है। बस सिक्स जो है वो क्वेश्चन दोज आर वेरी इजी वेरी स्मूथ। होपफुली आप जो है वो लर्न कर रहे हैं साथ साथ और इजी लग रहा है आपको। नंबर सेवन इज अ पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ 300,000। आप इनहेरिटेंस लेनी है छोटी गया डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट अमंग फोर सन्स एंड थ्री डॉटर्स सो दैट ईच सन गेट्स डबल ऑफ दैट डॉटर फाइंड द शेयर ऑफ ईच व्हेन अ डेट ऑफ 80,000 वाज आल्सो टू बी पेड। सबसे पहले हम डेट पे करेंगे 300,000 में से हम 80,000 जो है वो पे कर देंगे डेट। तो 220,000 हमारे पास आ जाएगा यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है 220,000। दिस इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब किस में ये करनी है डिस्ट्रीब्यूट? फोर सन्स थ्री डॉटर्स, सन्स डॉटर्स, फोर सन्स है थ्री डॉटर्स है। सन को डबल मिलता है, इसको वन मिलता है, तो ये एट और थ्री हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ रेशियोज एट और थ्री, एट प्लस थ्री अलेवन। जब हम सारे सन्स का फाइंड करेंगे सन्स शेयर हम करेंगे सन का एट है ओवर अलेवन मल्टीप्लाई बाय टू टू जीरो ट्रिपल जीरो। अलेवन टू जीरो 22 ये आ गया 2000 या अगर 16,000। ठीक है, ये था 220,000। तो एक जीरो और लगा लें तो 160,000 ये आ गया। ठीक है, अब डॉटर्स शेयर डॉटर का शेयर कितना है? ये तीन डॉटर है थ्री है, थ्री ओवर अलेवन मल्टीप्लाई बाय 220 थ्री जीरो अलेवन टू जार 60,000 ये आ गया और 160,000 ये आ गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 220,000 जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इस तरह से हमने सेवन जो क्वेश्चन है वो भी इजीली हमने कर लिया, इट वाज वेरी इजी। अब हम चलेंगे एट क्वेश्चन की तरफ, हम देखते हैं कि एट क्वेश्चन में क्या है। एट क्वेश्चन सेज Wife of Ahmed died leaving behind two daughters and a son. If Ahmed gets one or four of the inheritance of 180,000, inheritance जो है वो है 180,000. ठीक है? The amount is to be distributed. Find out. अच्छा क्या करना है इसमें? Wife of Ahmed died leaving behind two daughters and a son. दो daughters हैं और एक son है. If Ahmed gets one or four of the inheritance आप 180,000 अहमद जो है सबसे पहले हम अहमद को उसका शेयर देंगे। ठीक है, तो इसमें अहमद शेयर 1/8 है इंटू 180,000। इसको करते हैं 180,000 को हमने करना डिवाइड 8 पे, नहीं लिखा है अहमद गेट्स 1/4, सॉरी अहमद जो है उसको मिलेंगे 1/4। इसको करते हैं 45,000 मिल गए अहमद को। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 180,000 इसमें से 45,000 हम माइनस करेंगे। तो अभी हम करते हैं कैलकुलेट 180,000 माइनस 45,000 तो 135,000 जाना। दिस इज अवेलेबल फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हर चिल्ड्रन सच दैट अ सन रिसीव्स ट्वाइस ऑफ अ डॉटर्स शेयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफ ईच डॉटर सन एंड अहमद। ठीक है, टू डॉटर्स हैं और एक सन है। ठीक है, सन वन है, डॉटर्स टू है। सन को डबल मिलेगा, ये टू हो गया और ये टू हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ रेशियोज आ गया 2+2=4। जब हम सन का करेंगे सन्स शेयर
तो टू है, टू ओवर फोर इंटू 135,000, टू टू ज़ार फोर, इसको इससे करेंगे 67,500। अगर डॉटर का करना होगा तो क्या करेंगे, डॉटर्स शेयर, दोनों डॉटर का, टू ओवर फोर इंटू 67,500। तो अकेले एक लड़के को मिलेगा 67,500 और दो बेटियों को भी सेम मिलेगा 67,500। इसको टू पे डिवाइड करेंगे तो हर डॉटर का जो है वो शेयर हो जाएगा। इस तरह से हमने टोटल 8 क्वेश्चन थे, हमने सारे सॉल्व कर दिए हैं। होपफुली आपको समय लगे।